हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये वीडियो को आप अंत तक देखेगा, पूरा मैं बताऊंगा जो ट्रूथ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, पूरा बताऊंगा। और आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखिए, यहाँ पे दो चीजें, कम इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस हो सकता है और लार्ज इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस हो सकता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, कम इन्वेस्टमेंट में कैसा कौन सा बिजनेस हो सकता है और क्या हो सकता है, और लार्ज इन्वेस्टमेंट में कैसा बिजनेस हो सकता है। देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट डरते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और बायर कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का सोल्यूशन देता हूँ। बायर जो है आपको फाइंड करना है तो मैं पूरा आपको सिखा सकता हूँ, टेक्निक क्या है उसके वो आपको सिखा के आप बायर फाइंड कर सकते हो। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है। देखो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा वो है 50,000 टू 1 लाख रुपीज टू मेक अ प्रोफाइल एंड डू अ मार्केटिंग। देखो, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कुछ होगा। रिसेंटली जो मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है सिंगापुर में, तो मैं पहली बार गया तो वहां पे गया तो ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता वहां पे। तो मैं गया, अब मैं दूसरी बार भी सिंगापुर जा रहा हूँ, तो अभी मेरे को बायर से बात हुआ, सबसे बात हुआ, और उसके बाद अब जाके डील क्लोज होगा। तो ये पहले गया, उसे मिला, उसे ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया कि हम ये करते हैं, हमारा एक कंपनी है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेनिंग है। तो इस हिसाब से पूरा उसको भरोसा है कि नहीं ये बंदा जेन्यून है, ये करता है, कर सकता है। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ वापस सिंगापुर, तो उसके बाद ये हमारा डील क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो ये देखिए, यहाँ पे अगर छोटा इन्वेस्ट करना है आपको, फिर ये बेसिक हो गया 150,000 टू 1 लाख बेसिक हो गया। उसके बाद आपको बिजनेस कितना शुरू करना है, तो लाइक वो है अराउंड 1 लाख टू 10 लाख रुपीज में बिजनेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख रुपीज में भी एक बिजनेस हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ, 1 लाख में आप महीने का लाइक 3 लाख टू 6 लाख प्रॉफिट कमा सकते हो। 1 लाख इन्वेस्टमेंट में जो है वो आप 3 लाख टू 6 लाख प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको ये जो बिजनेस बायर मिल गया, आपका चेन एक बार हो गया, तो आप कर सकते हो। देखो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दुबई में फ्रूट एंड वेजिटेबल का, समझो फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो टोमेटोज है या भिंडी है, कोई भी प्रोडक्ट है जो फ्रूट वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो। वेजिटेबल जो है रोज के रोज चाहिए, यहाँ से रोज आपको एक्सपोर्ट बाय एयर ही जाएगा मोस्ट ऑफ, तो आपको रोज यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप 1 लाख रुपीज के जो है एपीएमसी मार्केट, हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केट होती है, वहां से रेगुलर सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप 1 लाख रुपीज के टोमेटो है, भिंडी, जो आपका ऑर्डर है उस हिसाब से आप खरीदते हो। और पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो इसमें सपोज 10% से 20% प्रॉफिट है, हम गिनते हैं 20% प्रॉफिट है, क्योंकि पेरिशेबल कार्गो है तो प्रॉफिट रखना पड़ेगा, वरना खराब हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसका इंश्योरेंस होता है, बट इट्स पेरिशेबल कार्गो। तो आप रोज का 1 लाख रुपीज का फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो, 20% प्रॉफिट है, मतलब रोज का आपको 20,000 रुपीज आपको मिलेगा। इंटू 30 डेज की अप्रोक्सीमेटली 6 लाख होता है, 6 लाख रुपीज। तो आप ये जो बिजनेस है आपको रेगुलर साइकिल मिल गया फ्रूट एंड वेजिटेबल सिर्फ, और आप समझो 20,000 का भी करोगे उसमें, तो रोज का 2,000, महीने का 60,000, 20,000 के बिजनेस में। बट ये साइकिल कैसे मिलना है, वो मेहनत करना पड़ेगा आपका, वहां पे बायर जो है आपको रेगुलर ऑर्डर देना चाहिए, वीकली भी ऑर्डर दे सकता है, मंथली भी दे सकता है, बट फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो तो रेगुलर जाता है, रोज जाता है, बाय फ्लाइट जाता है। तो देखिए आप, तो ऐसा एक बिजनेस है। फिर ऐसा ही बिजनेस करना कम अमाउंट में, इमिटेशन ज्वेलरी है तो ये भी आप कर सकते हो, बाय एयर का कोई भी प्रोडक्ट है आप कर सकते हो, बाय सी का भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन सिलेक्ट लाइक दैट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट और आप एक बिजनेस कर सकते हो। पहले थोड़ा दीजिए, थोड़ा प्रोडक्ट भेजिए, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि गारमेंट्स में टी शर्ट पर्सनलाइज। मैं अभी सिंगापुर गया था तो मेरा तो काम ही है बायर फाइंड करना, तो मैं शॉप में गया है कि सर ये आप जो है ये टी शर्ट कहाँ से लाते हो, तो उसने मुझे बताया कि ये टी शर्ट हम थाईलैंड से लाते हैं। मैंने बोला इंडिया से आपको सस्ते पड़ सकते हैं, आप इंडिया से मंगा सकते हैं। उसने बोला कि इंडिया वाले जो है MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसका ज़्यादा होता है, इसलिए हम नहीं लाते, इसलिए हम बाय एयर थाईलैंड से हमको चाहिए उतना पीस यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे सेल करते लोकल मार्केट में। तो ये चीज है, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट छोटी छोटी क्वांटिटी में भी जा सकता है। जो बड़े जो लोग हैं वो छोटी क्वांटिटी में बिजनेस नहीं करेंगे। तो आप जो छोटे लोग हो, जो मतलब छोटा लोग नहीं हो, आप छोटा लेवल से बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हो, बराबर, छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये आप कर सकते
हो और बड़ा अमाउंट में बिजनेस करना है आपको, तो लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंपनी है जो समोसा एक्सपोर्ट करती है, यूएस में समोसा एक्सपोर्ट करती है कंपनी, रोज के 2 कंटेनर करती है, क्योंकि समोसा रोज चाहिए, रोज का रोज खाना लोग खाते हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ से यूएस 45 डेज ट्रांजिट टाइम है, तो रोज का रोज वहाँ 2 कंटेनर समोसा पहुंचे, इसलिए यहाँ से रोज के रोज 2 समोसे के कंटेनर निकलते हैं, मतलब 45 डेज का ट्रांजिट टाइम है, मतलब रोज के 2 कंटेनर 45 × 2 मतलब 90 कंटेनर समोसे फ्रोजन होते हैं, वरना तो खराब हो जाएंगे, फ्रोजन समोसे सिर्फ समंदर में तैर रहे, 90 कंटेनर ऑफ समोसा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 CR 3 CR 90 कंटेनर ऑफ समोसा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा आपको कोई बिजनेस करना तो इसमें बड़ा अमाउंट भी लग सकता है, बट उसमें प्रॉफिट बहुत रहेगा, उसमें भी बड़ी बात है। ये समोसा यहाँ पे 10 रुपीज का मिलता है, वहां पे मैंने देखा है शॉपिंग जो मॉल होते हैं यहाँ पे वहां पे और ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहां पे जो मिलते हैं 60 रुपीज का, $2 का 2 पीस मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्मॉल अमाउंट में भी बिजनेस हो सकता है, बड़े अमाउंट में भी बिजनेस हो सकता है, बाकी आप नॉर्मल चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कौन सी बढ़िया प्रोडक्ट है मैं अलग से उसका एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हो। तो आप छोटे अमाउंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, यस यू कैन बिकम एक्सपोर्टर एंड यू कैन बिकम अ इंपोर्टर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अपडेट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।